गुणवत्ता की गारंटी है हमारी पहचान। हर प्रकार के रुद्राक्ष, जेमस्टोन, ब्रेसलेट रत्न और पूजा सामग्री मंगाने के लिए हरिद्वार का भरोसेमंद रुद्रजोन। वेबसाइट rudrajonun.com। ऑर्डर देने के लिए अभी कॉल करें। चार पीढ़ी से आपकी सेवा में तत्पर हैं। आप भी हमें सेवा का अवसर प्रदान करें, गारंटी हमारी। जय सियाराम। एक बहुत ही पावन धाम में हम उपस्थित हैं। ये भगवान शिव का मंदिर है, दुधेश्वर नाथ मंदिर गाजियाबाद का, और भगवान शिव साक्षात यहाँ पे विराजमान है। और भगवान की महिमा बताने के साथ साथ सनातन धर्म में हिंदू देवताओं की जो तस्वीरें हम घर में लगाते हैं, हर तस्वीर का अपना एक अर्थ होता है। अगर वो सकारात्मक तस्वीरें, अगर विशेष फलाफल की हम प्राप्ति चाहते हैं तो वो लगानी चाहिए। ये विशेष जानकारी आज पूज्य जी, आपका शुभ नाम? नवरतन सोनी, शिवगंज, जिला सिरोही, राजस्थान से हूँ मैं जी। और हमारी मान्यता भगवान के स्वरूप में है जी, निर्गुण भी है और सगुण भी है, निराकार भी है और साकार भी है। तो साकार जो परमात्मा के जो छवि है, भगवान की जो छवि है, तस्वीर है, कैलेंडर है, फोटोज है, मूर्तियां हैं, वो सकारात्मक अगर मूर्तियां होगी, सकारात्मक फोटो होंगे तो हमें ऊर्जा भी सकारात्मक मिलेगी। अच्छा जी। जिसका प्रमाण जैसे गणपति, तो गणपति के सीधे हाथ में लड्डू होना चाहिए। लड्डू आहार का प्रतीक है, भोजन का प्रतीक है, और भोजन शरीर के लिए सकारात्मक है। दूसरी बात, हनुमान जी महाराज सीधे हाथ में संजीवनी पर्वत होना चाहिए, जबकि प्राय 99% कैलेंडर मूर्तियां आपको उल्टे हाथ में, बाएं हाथ में संजीवनी पर्वत दिखेगा और गदा सीधे हाथ में दिखेगी, वो नेगेटिव फोटो है। इसका प्रमाण अपने घरों के अंदर आप पॉजिटिव फोटो लगाइए, 10 दिन के अंदर उसको रिजल्ट मिलेगा, आपको डेफिनेटली मिलेगा, अन्यथा जैसे आपकी मान्यता। यानी हनुमान जी की जो तस्वीर लगी है जी, उनके दाहिने हाथ में पहाड़ होना चाहिए, सीधे हाथ में, बिल्कुल दाहिने हाथ में, और बाएं हाथ में गदा होनी चाहिए, गदा होनी चाहिए। और जो पूंछ है वो वायु का प्रतीक है। अच्छा। और वायु सकारात्मक है, और सकारात्मक ऊर्जा हमें उससे मिलती है। जैसे ये हनुमान जी का फोटो है, ये जो फोटो है ये पॉजिटिव, 100% पॉजिटिव फोटो है। अब देखिए, इसमें संजीवनी जो है सीधे हाथ में है, हनुमान जी की पूंछ है वो सीधे हाथ में, सीधी तरफ है। अच्छा, इस तरफ है। हाँ जी, दाहिनी तरफ। और हनुमान जी का पहला पांव, दाहिना पांव है, दाहिना पांव, वो सकारात्मक है। तो ये फोटो, ये तस्वीर, ये मूर्ति हमेशा आपको पॉजिटिव ऊर्जा ही देगी, नकारात्मक ऊर्जा नहीं दे सकती। इसका प्रैक्टिकल करने के लिए हमारे घरों में ऐसे फोटो लगाइए। मैं आपको एक वेबसाइट नंबर देता हूँ, www.religionwithnewconcept.org। इस पे जाइए, हमारी देवी देवताओं के सारे पॉजिटिव फोटो मिल जाएंगे जी जी। और राजस्थान में फलोदी के पास रामदास जी महाराज हैं, उन्होंने इस चीज़ का शोध किया। अच्छा। और वो आज भी चैलेंज करते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर ये विषमताएं हैं, ये सब जगह इस अशांति का माहौल है, प्रमुख मंदिरों की अगर मूर्तियाँ नेगेटिव है और उनको बदल दी जाए तो आज भी सकारात्मक ऊर्जा पूरे भारत देश में आ सकती है। अच्छा, ये बताइए, हुआ कैसे? क्या जहाँ तहाँ जो प्रिंटिंग प्रेस है जी जी, जो जी देवी जी, देवताओं की तस्वीरें वहाँ से जो प्रकाशित की जाती हैं, ये एक चित्रकार की कल्पना होती है। अच्छा। आपने देखा होगा जब रामायण सीरियल आया तो हमारे घरों में अरुण गोविल की फोटो राम की छवि में आ गई है ना, और हम उसको मानते लगे, और वैसे अभी उनका चरित्र भी है, बिल्कुल सीरियल के बाद उनका ऐसा मानना है, ठीक है ना। तो हमारे दिमाग में एक चित्रकार की कल्पना होती है, वो कल्पना को साकार करने के लिए कभी इस हाथ में ये आयुध दे देता है। देवी देवताओं के हर हाथ में कौन सा आयुध होना चाहिए, इसका भी प्रमाण है। अच्छा। इसका भी प्रमाण है, शास्त्र सम्मत है, बिल्कुल। आप इन वेबसाइट खोलिए और ये फोटो आप 10 दिन अपने घर में प्रैक्टिकल करके देखिए, आपको प्रैक्टिकल रिजल्ट मिलेगा, उसके बाद आप उसको चीज को मानिएगा। अच्छा, रही बात दूसरी बात कि ये सारे जो प्रेस वाले हैं या मूर्ति बनाने वाले हैं, अगर इसके थोड़ी तह में जाएंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई योजनाबद्ध तरीके से हमारी इस संस्कृति के साथ कोई खिलवाड़ किया, मतलब छेड़छाड़ किया गया, किया है। आज जैसे जयपुर में मूर्तियां बनती है, हमारे सनातन धर्म में मंदिरों की प्रतिष्ठाएं होती है,
उसके ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए मुझे बुलाते हैं, उसके अनाउंसिंग करने के लिए मुझे बुलाते हैं, उसकी बोलियां बुलवाना चढ़ावे बोलने के लिए मुझे बुलाते हैं, तो मैं पहली ही बात यही रखता हूँ कि कौन से देवताओं की मूर्तियाँ आप ला रहे हो और कहाँ से ला रहे हो। पॉजिटिव मूर्ति होनी चाहिए। लाखों करोड़ों रुपये हम प्रतिष्ठा के नाम पर खर्च करते हैं, मूर्ति विराजमान करते हैं, और अगर वो नेगेटिव मूर्ति है तो वो ऊर्जा नेगेटिव ही देगी, अगर पॉजिटिव मूर्ति है तो आपका किया हुआ खर्च सार्थक जाएगा और पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी जी। अच्छा पंडित जी, ये बताएं कि खास करके जो प्रमुख कुछ मूर्तियों की हम बात कर लेते हैं जो आमतौर पे हिंदू घरों में देखने को मिलता है, जी जी जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, जी जी, इनकी तस्वीर कैसे होनी चाहिए? पर ये आप उस वेबसाइट पे जाइए, अच्छा सारे फोटोज आपको मिल जाएंगे। मेरे आराध्य देव हनुमान जी है, अच्छा जी, इसलिए तो मैं इनको हर तरह से मानता हूँ और ये हमेशा मेरे साथ भी रहते हैं और हर काम इनकी कृपा से होता है। और हनुमान भक्ति चैनल के लिए हम लोग आपसे बातचीत भी कर रहे हैं, जी जी जी, तो आप क्या सजेशन देंगे कि जो लोग ये तस्वीर लगाए हैं जी, अगर पहाड़ लेकर के उड़ते हुए जी, दाहिने हाथ में पहाड़ हो और बाएं हाथ में गदा हो और हनुमान जी की जो पूंछ है शक्ति का प्रतीक भी है, वायु का प्रतीक, वायु का प्रतीक है, तो ये दाहिने तरफ भी ऐसे होना चाहिए जी 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 जी। कुछ लोग आप देखिएगा कि हनुमान जी की तस्वीर लगाते हैं बैठे हुए मुद्रा में आशीर्वाद वाले, तो वो खुला हाथ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो बाएं हाथ के अंदर गदा हो, दायां घुटना ऊपर उठा हुआ हो और बैठने की स्थिति हाथ से आशीर्वाद, ये पॉजिटिव, बायां उठा हो या दाहिना, दाहिना दाहिना उठा हुआ, दाहिना उठा हुआ, घुटना उठा हुआ हो और आशीर्वाद देते हुए सीधा हाथ हो, दाहिना हाथ हो, ये पॉजिटिव, क्योंकि पूंछ उनकी दाई ओर है। अच्छा पंडित जी, आपने इसमें काफी शोध किया है, हनुमान जी की कोई ऐसी तस्वीर आप सजेस्ट करना चाहेंगे जो कि सर्व फलदायी हो, कोई भी गृहस्थ अपने घर में लगाए हनुमान जी की उस मूर्ति की? लोग ऐसे बिल्कुल 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 बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, पंचमुखी बालाजी घर में नहीं पूजना चाहिए, ऐसी मान्यता है, ठीक है ना। घर में अगर रखना चाहिए हनुमान जी की तस्वीर तो आप दास्य भाव भक्त भाव के जो स्वरूप है वो रखिए आप, सौम्य भाव वो रखिए आप, तो उसका आपको परिणाम भी अच्छा मिलेगा। हम क्योंकि घर गृहस्थी वाले हैं, बाल हनुमान जी की तस्वीर रखिए आप, बाल हनुमान की फोटो रखिए आप, सौम्य हनुमान की रखिए आप, भक्त हनुमान की रखिए आप, दास हनुमान जी की रखिए, हमें तो भक्ति चाहिए हनुमान जी से, और क्या चाहिए हमको? हनुमान जी की सिद्धि तो चाहते नहीं है, न करना चाहते हैं, न करना भी चाहिए, हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहिए, हनुमान जी की, हनुमान जी को सिद्ध नहीं करना वो हो ही नहीं सकता। और जो ये कपाली क्रिया कुछ करते होंगे तो करते होंगे तो उनको रिएक्शन उनका मिलता है, ये अपना विषय नहीं है, तो घरों के अंदर इस तरह की हनुमान जी की तस्वीरें और फोटो होना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने जो पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर जाने अनजाने में लगा दी, जी जी जी, उन्हें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना, विसर्जन कर लीजिए आप, विसर्जन कर लीजिए आप, और हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ जब भी करो, चाहे घर में करो चाहे मंदिर में करो, दो पाठ करना चाहिए, एक कभी नहीं करना चाहिए, कम से कम दो पाठ तो होने चाहिए, एक हनुमान जी के लिए अर्पण किया और दूसरा अपने लिए, क्योंकि एक कर दिया तो तुलसीदास जी को उसका पुण्य मिल जाएगा। अच्छा, दो पाठ कम से कम करो, दो करो तो एक एक का पुण्य अपन को मिले, वो एक कर दिया ना तो उसका पुण्य, तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजिए नाथ हृदय में डेरा, तो उसका पुण्य वो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो तुलसीदास जी को चला जाएगा, वो उनके खाते में चला जाएगा, ऐसे हमारे महापुरुषों की मान्यता है जी। अच्छा, भक्तों के कल्याण के लिए कुछ भगवान शिव के दरबार में हम लोग खड़े हैं, जी 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 जी, भगवान शिव की कुछ ऐसी तस्वीर का स्मरण आ रहा है जो घर में लगाना चाहिए? जी बिल्कुल, सौम्य तस्वीर, ध्यान मुद्रा की तस्वीर वो लगाइए आप, ध्यान मुद्रा में बैठे शिव परिवार की लगाइए आप, शिव परिवार की जान शक्ति भी साथ है, गणपति भी साथ है, कार्तिक स्वामी भी साथ है, शिव परिवार से जो तस्वीर है उससे तो हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे शिव परिवार का एक स्वरूप आप कल्पना कीजिए, एक तरफ भगवान शिव विराजमान है, दूसरी तरफ शक्ति विराजमान है, एक तरफ नंदी जी विराजमान है, दूसरी तरफ सिंह विराजमान है, एक तरफ कार्तिक स्वामी विराजमान है, एक तरफ गणपति विराजमान है, गणपति का वाहन मूषक, कार्तिक स्वामी का वाहन मयूर मोर, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में परस्पर विरोधाभास है, मयूर के और मूषक के विरोधाभास, सिंह के और नंदी के विरोधाभास, है ना, एक शाकाहारी जीव एक मांसाहारी जीव, ये विरोधाभास होने के बावजूद भी एक परिवार के साथ रह रहे हैं, तो गृहस्थियों को भी इस शिव परिवार के फोटो से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि घर परिवारों में पांच व्यक्ति हैं, आपस में विरोधाभास होने के बावजूद भी एक छत्र के साथ एकता के साथ रहना चाहिए, ये तस्वीर ये फोटो हमें ये शिक्षा देता है। शिव परिवार का फोटो रखिए आप घर में, जब भी आप देखोगे तब लगेगा घर में पांच भाई है, पांच भाई आपस में नहीं रह पाते हैं तो उनके घर में शिव परिवार का फोटो ही नहीं है, कैसे रहेंगे वो? अगर ऐसा फोटो रहेगा तो सुबह शाम दर्शन जब भी करोगे तो कुछ तो प्रेरणा मिलेगी मिलेगी उस फोटो से। जी जी जी,
तो ये बहुत आवश्यक है और काफी आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। जी जी। और भक्तों की जिज्ञासा भी रहती है कि अपने आराध्य की कौन सी मूर्ति तस्वीर हम लगाएं। जी। तो आज मुझे लगता है कि इन तमाम शंकाओं का समाधान आपने कर दिया है। जी जी। कि सकारात्मक तस्वीरें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी तस्वीरें जो हम कैलेंडर खरीद के लाते हैं, जी जी, हो सकता है प्रकाशक ने उस पर कोई शोध ना किया हो, जी जी, उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी ना हो, जी जी, शास्त्र सम्मत ना हो, जी जी। इसलिए आप ये कह रहे हैं कि उस वेबसाइट पे आप जाएंगे जी, तो शास्त्र सम्मत जो ईश्वर की तस्वीरें हैं जी, किस हाथ में कौन सा आयुध हथियार हो, जी जी, कौन सी अभय मुद्रा वाली तस्वीर जी, हो, ये पूरी शोध की गई है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसका आपने कहा कि प्रैक्टिकल इसका अनुभव देखा गया। बिल्कुल, 10 दिन के अंदर आप अपने घरों में कर सकते हैं। पहले जितने भी कैलेंडर है वो 10 दिन के लिए हटा लीजिए और 10 दिन इस वेबसाइट पे जो भी आपके पसंद के देवी देवता है उनका फोटो लगा लीजिए। 10 दिन के अंदर आपको रिजल्ट अच्छा लगे तो प्रिंट आउट निकलवाइए, प्रिंट आउट निकलवाइए आप और लगा दीजिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी जी, आपने तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है जी, और हम चाहेंगे कि आगे आपसे मुलाकात होती है बहुत बहुत, तो हम लोग इस विषय पे अलग अलग बात करेंगे। जी जी, अलग अलग जो ईश्वर के रूप है उनकी बात हम करेंगे और चाहेंगे कि उसके बारे में आप विस्तार से बताएं। जी जी, ये जो कि बहुत कल्याणकारी आपने बातें जी 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 बिल्कुल, और संयोग है कि आपसे मुलाकात हो। जी जी, ये सब नारायण गिरी जी महाराज का आशीर्वाद है कि आज मैं यहाँ गाजियाबाद आया हूँ और संत महापुरुषों का दर्शन लाभ हुआ है। मैं सनातन धर्म का ही काम करता हूँ और भी धर्मियों का काम नहीं करता। मैं एंकर हूँ, केवल सनातन धर्म की ही बात करता हूँ। 10-10 दिन एक ही मंच पे बोल लेता हूँ पर मैं महापुरुषों का ही जूटन खाता हूँ। जैसे कि सूर ने क्या लिखा, मीरा ने क्या लिखा, अपने कबीर ने क्या लिखा, उन महापुरुषों का ही जूटन, रामायण ने क्या लिखा, महाभारत ने क्या लिखा, गीता ने क्या लिखा, उन्हीं का ही जूटन खाता हूँ। बाकी किसी और भी धर्मियों का जूटन नहीं खाता। मैं शेरो शायरी यूज नहीं करता। आप राजस्थान से आए? मैं राजस्थान से आया हूँ और कुछ नारायण गिरिजी बाबू जी की असीम कृपा है, इनके सानिध्य में मैंने सैकड़ों मंदिरों की प्रतिष्ठा करवाई है और यही संतों से मैंने सीखा है, यही आचार्यों से सीखा है, यही मैंने ब्राह्मणों से सीखा है। मेरा कर्म से मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, कर्म से मैं बिल्कुल ही ब्राह्मण नहीं हूँ, परंतु मुझे पता है कि अब इसमें क्या विधि होनी है, क्या काम आगे होना है। आजकल हमारे नाराज न होना, ब्राह्मणवाद इतना दूषित हो गया है कि हर काम को घास काट देते हैं, तब उसके रिजल्ट नहीं मिलता। जैसे कि आज आप हमारे घर में मान लो अशांति है तो हम ब्राह्मण देवताओं के पास जाते हैं तो पहले शांति हवन करवा लो। अब जो वो शांति हवन करवा लेता है उसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता, क्यों? मंत्र वो के वो, ब्राह्मण वो के वो, सामग्री या तो कमी है या यजमान में कमी है, कहीं ना कहीं तो कुछ कमी है, कुछ चूक हो रही है, कहीं तो कहीं हो रही है। क्योंकि हमारे प्राचीन भारत का इतिहास रहा है कि हम पुत्र की कामना करते तो पुत्र कामिष्ठ यज्ञ करते तो पुत्र उत्पन्न होता। राजा दशरथ ने भी यही किया है ना। बारिश नहीं आ रही है तो अनावृष्टि और अतिवृष्टि दोनों के लिए यज्ञ होते थे, तो यज्ञ से तो हमको परिणाम मिलता था, रिजल्ट मिलता। आज क्यों नहीं मिल पा रहा है, कहाँ गलती हो रही है? इसके ये बड़ा सोचने का विषय है, शोध करने का विषय है, उन गलतियों को सुधारने का विषय है। जी जी जी, नहीं बहुत आपने महत्वपूर्ण बातें बताई जी। और जन्म से भले ही ब्राह्मण ना हो लेकिन जो कर्म है वो कर्मणा तो पांडित्य ही है। बिल्कुल बिल्कुल, ब्राह्मण कार्य तो जी 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आभार, बहुत आभार। जय सियाराम। जय सियाराम।